Hello students, today we will be starting our second chapter of third unit, that is third B, and which is regarding the motion of charged particle in uniform electric and magnetic fields. So पहले हम charged particle की motion को discuss करेंगे in a uniform electric field. Motion of charged particle in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फील्ड की प्लेट्स है, एक फील्ड की से पॉजिटिव प्लेट है और एक फील्ड की नेगेटिव प्लेट। अगर अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव तो फील्ड की डायरेक्शन होगी अपर टू लोअर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और लोअर प्लेट पॉजिटिव और अपर नेगेटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो प्लेट्स, अब लोअर प्लेट को हम से पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं, फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है, और अपर प्लेट है से फील्ड की नेगेटिव प्लेट। और हम यहां ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से ओ से ओरिजिन बोल दें, और इस डायरेक्शन को अगर मैं कह दूं से एक्स एक्सिस और इसे कह दूं मैं से वाई एक्सिस, तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर हम ऑफ चार्ज क्यू और मास एम रखने वाला कोई चार्ज पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड यू से कह देते अलोंग ओ एक्स, ये डायरेक्शन थी आपके पास ओ वाई, और इन प्लेट की जो लेंथ है इस लेंथ को से हम ट्रीट कर लेते हैं एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है तो इसको एक्स कह दिया। अब आपको पता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और चार्ज पार्टिकल अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम सपोज इसको इन लाइन से इंडिकेट कर दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो वही फोर्स की डायरेक्शन, इसका मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, नो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को से हम ई लिख देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना होगा, फोर्स ऑन क्यू दैट विल बी एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, ये से इक्वेशन आपने फर्स्ट कह लिया, और इस फोर्स की क्योंकि चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं, चार्ज कैसा ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, मीन्स अलोंग ओ वाई, ठीक है, ये फोर्स किधर हो जाएगा अलोंग ओ वाई दैट इज वाई एक्सिस के अलोंग। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल नंबर सेकंड, तो इन दोनों को कंपेयर करें देन मास इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू ई, तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें वाई में, जो भी डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स हम वाई डायरेक्शन में मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी किसमें होगा, वाई डायरेक्शन, तो इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो विल बी क्यू इनटू ई बाय एम, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड एक्टिंग अलोंग ओ वाई दैट इज वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक। अब आपने कहा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में कर रहा है, वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, सो नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी विद स्पीड यू या वी, जैसे भी इसको आप लिख रहे हो, ठीक है, सपोज यू लिख रहे हैं तो यू से, सो टाइम टेकन, सो एस नो फोर्स along
four acceleration. So velocity along x direction remains क्या रहेगी सेम और कांस्टेंट रहेगी सेम रहेगी तो उसके कारण से डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड x के बराबर होगा विद स्पीड v सो टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस x अलोंग को x सो टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस x किधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन में अलोंग ओ एक्स दैट विल बी व्हाट p इज इक्वल टू x बाय v क्योंकि अगर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप अप्लाई करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है s इज इक्वल टू यू पी प्लस हाफ pt स्क्वायर और कौन सी डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं x में तो sx ux और ax तो क्या आपने कहा है कि फोर्स नहीं है किसमें x डायरेक्शन में तो फोर्स x डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सेलरेशन भी फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास तो जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो हो जाएगा किसका x डायरेक्शन का तो इसमें x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन को हम जीरो कर देंगे तो ये बन जाएगी यहां से तो sx को कितना है आपके पास x के बराबर और ux कितना x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो u बोल रहे हो ठीक है और टाइम टेकन अगर t हो तो देन इसके अंदर यूज करें sx कितना हो गया x और ux हो गया कितना u इनटू t तो इसका रिजल्ट क्या आएगा u इक्वल टू x बाय सेम इक्वेशन नंबर 4 आप चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए या ऐसे निकाल लें आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके तो भी लिख सकते हैं क्योंकि x डायरेक्शन फोर्स जो फील्ड है फील्ड की डायरेक्शन है किसमें y डायरेक्शन में तो फील्ड की डायरेक्शन y में तो फोर्स भी किसमें y में x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं इसका मतलब x डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या है जीरो है और x डायरेक्शन एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब लीनियर ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगी x = ut वाली तो sx का कितना x और ux कितना u और टाइम कितना आपका t तो t = x / u आ गया अब आपने कहा कि मोशन x डायरेक्शन में आपने सपोज डिस्कस करके इक्वेशन निकाली फर्स्ट सॉरी फोर्थ अब y डायरेक्शन में अकर करें तो y डायरेक्शन में तो फोर्स एक्टर है फोर्स एक्टर तो कितना एक्सेलरेशन एक्ट करे y डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन एक्ट करे इसको ये y काम है ठीक है सो मोशन अलोंग ओ y वो कितने होंगे बताइए इक्वेशन अप्लाई करिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सो sy uy और ay याद रखना इनिशियली जो प्रोजेक्ट किया वो कौन से डायरेक्शन में x डायरेक्शन तो वेलोसिटी किसमें x डायरेक्शन में तो ux तो कितना है u है लेकिन y डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं किया तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो है ठीक है सो हियर ux सॉरी uy तो कितना है जीरो और ay कितना है बताइए दैट इज इक्वल टू qe / m qe / m और p कितना लिखा जाएगा x / u लिखा जाएगा फोर्थ से ठीक है सो और एस वाई कितना है हम ये सपोज मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट है फील्ड की नेगेटिव प्लेट तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव को रिपेल करेगा नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगी तो ये चार्ज पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट होगा सो इस तरह से होगा और एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा तो अगर किसी टाइम पे इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो इसका होगा वो वाई होगा ये ठीक है तो वाई के इक्वेशन निकालने और इस फील्ड से एग्जिट होने के बाद इस पाथ की जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट के अलोंग जाएगा इस पाथ की क्या होगी जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट के अलोंग जाएगा फील्ड से बाहर निकलने के बाद फोर्स हट जाएगा ठीक और यहाँ पे कोई हम फ्लोरोसेंट प्लेट रख करके या फ्लोरोसेंट मटेरियल रख करके उनकी सिंट्रेशन को या उनके जो प्रोजेक्शन है उनको देख सकते हैं सो एस वाई कितना होगा y के बराबर तो देन sy को लिखें y is equal to uy कितना भाई जीरो ये टर्म हट गई हाफ ay कितना qe / m ओके देन टाइम इज व्हाट x / u सो x / u अब भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं सो टाइम का स्क्वायर ठीक है यहां पे देख रहे हैं हम y और x के अंदर इक्वालिटी का गेम तो आप इसको लिख दें qe / 2 m और u square और into x square और ये हो गया y
तो एक्स स्क्वायर के टर्म में लिख लें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म इधर ले आए, तो दैट इज 2m u स्क्वायर या v स्क्वायर जो भी ले रहे हैं qe, और ये साथ में क्या हो गया y, ठीक। और इस टर्म को अगर एक कांस्टेंट कह दे, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने कहा u कैसी है कांस्टेंट होगी क्योंकि फोर्स एक्सीलरेशन नहीं एक्ट कर रहा उस डायरेक्शन, qb और eb फिक्स है, तो ये पैरामीटर फिक्स हो गया, सो इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। तो देन x square is equal to ky, से equation number 6, क्योंकि k आपके पास किस टर्म को लिख रहा है 2m u square और divided by q को लिख रहे, ठीक, that is a constant। और ये आपके पास देख रहे हो जो quadratic equation आता है तो graph कैसा होता है parabolic, so equation 6 is a parabolic equation, is a parabola। तो इससे क्या conclusion ड्रा किया कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एंटर करेगा तो उसका पाथ फॉलोड कैसा होगा पैराबोलिक होगा। सो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन या कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसका पाथ फॉरवर्ड कैसा होगा पैराबोलिक होगा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन इट फॉलोज देन इट follows a parabolic path, it follows a parabolic path, a parabolic path ये follow करें। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी नोट के अंदर। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट के ऊपर है या फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो आपके पास पाथ फॉलो होगा स्ट्रेट पाथ होगा लीनियर, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो कैसा होगा सर्कुलर सॉरी पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये केस हम डिस्कस करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में और से मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और उसके साथ कुछ एंगल बना करके वो एंटर करता है। अब याद रखना, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड की पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन मूव करता है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। दूसरी बात, अगर चार्ज पार्टिकल, हम रिजल्ट निकालने का कंक्लूजन यही बता रहा कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वो पाथ फॉलो करेगा सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता था तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता था और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलग कोई डायरेक्शन थीटा डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उसका पाथ फॉलो होगा भाई हेलिकल, हेलिक मीन्स एक स्प्रिंग की तरह, मीन्स सर्किल भी और वो सर्किल आगे भी चलेगा, जैसे कोई पेज होता है, पेज को एक रोटेशन देते हैं तो एक टर्न उसका आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। So, हम ये मान लेते हैं कि डायरेक्शन होगी से एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस था और ये सपोज जेड, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्स डायरेक्शन, और कोई चार्ज पार्टिकल having charge q and mass m, उसको हमने present किया इस magnetic field की direction, क्योंकि x direction थी, उसके साथ कोई theta direction बना करके हमने project कर दिया, means ये हो गया आपके पास v की direction, ठीक है। और इस v को अब हम resolve करें तो दो direction में resolve करा जा सकता है, एक तो parallel direction, parallel component along component,
मैं सपोज इसको लिख देता हूँ वी वन लिख दे, दूसरे को लिख दे वी टू, या वी पैरेलल लिख दे, और एंगल इक्विलेटरल कंपोनेंट क्या होता है कोस वी कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिख दे उस कंपोनेंट को, मैं बोलता हूँ वी परपेंडिकुलर या वी टू, वो वी साइन थीटा। परपेंडिकुलर और पैरेलल से आपको कंफ्यूजन अगर आता है तो आप वी वन और वी टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण से इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे उन फोर्सेस के कारण से क्या मोशन होगी, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसके कारण से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और ये जो पैरेलल डायरेक्शन है वेलोसिटी कंपोनेंट इसके कारण से फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चलता रहेगा, आगे घूमेगा और चलेगा भी, तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा किसी थीटा डायरेक्शन से अगर वो एंटर करता है, तो उसका जो पाथ फॉलो है वो कैसा होगा, एक हेलिक्स के जैसा होगा, हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू मास है एक वेलोसिटी वी से थीटा डायरेक्शन में एंटर करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बी और बी के बीच में जो एंगल कितना माना आपने थीटा माना है, बी और बी के बीच में एंगल कितना मान दिया थीटा, तो आपने अब क्या क्या रिजोल्व किया, रिजोल्विंग बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने रिजोल्व कर दिया एज कौन कौन से कंपोनेंट होंगे भाई, फर्स्ट होगा वी कोस थीटा जो किधर है अलोंग ओ एक्स, सो इसको आपने वी पैरेलल या वी वन लिख दे, सपोज मैं इसको वी वन लिख देता हूँ और इसको वी टू लिख देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज वी पैरेलल भी परपेंडिकुलर से भी कर सकते हैं, तो वी वन तो हो गया कितना वी कोस थीटा, ये किधर हुआ अलोंग ओ एक्स दैट इज पैरेलल टू फील्ड, फील्ड के पैरेलल, और दूसरा हो गया एंगल के अलोंग तो कोस कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट, मींस वी टू इज इक्वल टू वी साइन थीटा, और ये किधर हो गया अलोंग ओ आई दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके कारण से हम निकाल लेते हैं फोर्स, तो ये कहते हैं कि नाउ फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट, वी टू की बात कर रहे हैं वी साइन थीटा के कारण से, ठीक है। ये वी साइन थीटा जो है आपका वी टू है दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको फोर्स का फार्मूला पता होता है एफ इज इक्वल टू होता है कितना क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो यहाँ वी टू क्रॉस बी लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वी टू मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, सो आपके पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू वी टू बी और साइन 90, क्यों, क्योंकि वी टू और बी परपेंडिकुलर थे तो थीटा कितना था 90 डिग्री हुआ था और साइन 90 हो जाता भाई 1, ठीक है। सो इसका मतलब आपके पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू वी टू और बी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी की बात यहाँ गौर करने की है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इस फोर्स के डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल से या वी से बी क्रॉस डायरेक्शन में देते थे, और ये फोर्स वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये फोर्स क्या है परपेंडिकुलर किसके वी टू के, ठीक है। सो नाउ सिंस एफ इज परपेंडिकुलर टू वी टू, एफ किसके वी टू के क्या है परपेंडिकुलर है, और याद रखना जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कितना होगा जीरो, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो। सो आप ये कहोगे जब फोर्स और सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कंपोनेंट वी टू, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज वेलोसिटी v
B2 remains constant. V2 जो भी साइन थीटा वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. तो फिर क्या होगा, ये फोर्स का क्या रहा होगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, केवल उसकी किसको चेंज कर रहा होगा, डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस तरह से. ठीक है, दैट इज, और हमेशा फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वेलोसिटी v2 रिमेंस कॉन्स्टेंट और सेम. दिस फोर्स only changes direction of velocity. Velocity की direction को change करता है but not magnitude. Bracket में लिख दिया but not magnitude. और ऐसे कि ये force हमेशा इस velocity के v2 component के क्या रहेगा, parallel रहेगा, v2 के भी और b के भी, no doubt v2 और b दोनों के परपेंडिकुलर, v2 और b दोनों के परपेंडिकुलर रहता है. इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम एक यहां फिगर ड्रा कर लें, सपोज हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के हम इनवर्ड ले लें, सपोज क्रॉस से लिख दिया मैंने, सपोज ये लिख दी क्रॉस से, ठीक है, और जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा. हम डायरेक्शन देते हैं एफ बी और आई. एफ की जो डायरेक्शन है एक बाद में निकलेगी, बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी. तो बी तो कैसा है, इनवर्ड है, और वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड एफ बी और आई या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बी लिखते थे, ठीक है. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो ये इस तरह से प्लेन ऑफ द बोर्ड के अगर इनवर्ड की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है हमेशा वेलोसिटी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. तो वो चार्ज पार्टिकल सपोज यहां पे हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन v2, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, ठीक है. तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक. ये सपोज पॉइंट हमने सी बोल दिया, ये पॉइंट डी लेंगे तो डी पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यहां लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, वेलोसिटी की इधर की तरफ v2, यहां पे वेलोसिटी की इधर की तरफ होगी v2 और ये फोर्स, ठीक है, ये v2 और ये फोर्स. तो इसका मतलब कंटिन्यूअसली फोर्स हमेशा किधर की तरफ एक्ट कर रहे होंगे, सेंटर की तरफ एक्ट कर. तो इसका जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके अंदर कैसा पाथ फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इस तरह से कि उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी और जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे. तो अगर वी और बी क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये थी और मैग्नेटिक फील्ड था इनवर्ड. तो वी से बी की तरफ घुमाव करें, ये बी था, और बी से अंदर की तरफ घुमाव करते हैं बी की तरफ, तो जो फोर्स की डायरेक्शन अपने सेंटर की तरफ आती है. तो आप ये कहोगे कि जो फोर्स है किस तरह काम करेगा, ऐसे सेंट्रीपेटल फोर्स. सुना, सो नाउ दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू बी टू बी एक्स एज ए सेंट्रीपेटल फोर्स. आपको पता है सेंट्रीपेटल फोर्स का काम क्या होता है, किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना. तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लें तो जो फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की परपेंडिकुलर होगी, और इस तरह से वो एक क्या फॉलो करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. यहां तक की बात करिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स तो कितना होता है mv² / r, और फोर्स आपका कितना, दैट इज q v2 v, एंड दैट इज इक्वल टू mv² / v2² और पाई कितना भाई r. तो यहां v2 से v2 कैंसिल होगा, ठीक है. तो यहां से हम v2 निकालना चाहें तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू qbr / m. दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है.
और अगर इस वेलोसिटी को घर में भी वैसे भी लिख सकते हैं, मीन्स वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी आर और बाय एम, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको वी टू को। लेकिन अब हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, आपको रिलेशन पता होगा v इज इक्वल टू हम लिखते थे r इंटू ओमेगा, r अगर रेडियस ऑफ द सर्कुलेटर एक है तो v हमारे पास कौन है v2 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू v2 बाय r, और v2 कितना है बोलिए, दैट इज v sin थीटा, मींस ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए v2 बाय r, तो v2 की वैल्यू आप इससे लिखते हैं तो क्यू बी आर बाय एम था और इसको डिवाइड कर दिया आर से, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम इससे लिख दीजिए, या इसको आप ऐसे लिखते हैं कि वी ओमेगा इज इक्वल टू लिखते हैं वी टू, वी टू कितना वी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर, तो वी साइन थीटा टू फाइव और डिवाइडेड बाय अगर आर करें क्यू बी बाय एम, तो वी क्या आ जाएगा क्यू बी बाय एम, तो चाहे आप ये अप्लाई करें चाहे ये अप्लाई करें तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज क्यू बी बाय एम, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है, सो लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, आपने रिलेशन पढ़ा है 11th में, ओमेगा इज इक्वल टू अपॉन 2 बाय न्यू, ठीक है, फिर टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इससे, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी ओमेगा बाय 2 पाई, तो इस ओमेगा के डिवीजन में 2 पाई करते हैं, सो न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई और एम, ये आपके पास से फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है, और टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो यहां दो बातें देखने की है, इस इक्वेशन पर आकर फोर्थ और फाइव पे आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रही है, वी टू नहीं आ रही, ना वी साइन थीटा आ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि बोथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सो यहां हमने देखा कि अगर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो v2 था v sin थीटा, तो उसके कारण से पाथ फॉरवर्ड तो आपके पास एक सर्कुलर पाथ होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी क्यू बी आर बाय एम, इससे आप रेडियस भी निकाल सकते हैं पाथ की, तो टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ना ही फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कारण से इस फोर्स के कंपोनेंट के कारण से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब दूसरे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो v1 है उसके कारण से हम निकालना चाहें तो आप देखेंगे कि वो फोर्स बिल के पैरेलल डायरेक्शन, सो जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का v1 इज इक्वल टू v cos थीटा जो कि फील्ड के पैरेलल है, और आपको पता है फोर्स कितना होगा, दैट विल बी जीरो, फोर्स ड्यू टू v1 इज इक्वल टू v cos थीटा जो कि फील्ड के पैरेलल है, आप लिखें F is equal to Q into V1 cross B, तो Q into V1 into B और sin V1 और B के बीच में क्योंकि parallel है तो theta कितना होगा 0 degree, theta 0 degree होगा क्योंकि V1 is parallel to B, V1 और B एक दूसरे के parallel, ठीक है, तो इसका मतलब ये force कितना होगा 0 हो गया, force आपका जो velocity component V1 उसके कारण से act करेगा ही नहीं, आपके कारण से V2 के कारण से act कर रहा है, पर फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी जो पैरेलल डायरेक्शन में वो फील्ड के पैरेलल ही रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल, सो चार्ज पार्टिकल
So Q moves with velocity V1 is equal to V cos theta along OX. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहेगा, सो लीनियर डिस्टेंस मूव. D is equal to speed V1 और टाइम पीरियड कितना T. ठीक है, T हम निकाल चुके हैं तो V1 तो कितना होगा V cos theta और T कितना निकाल रहे हैं 2 pi m by qb. ये आपका लीनियर डिस्टेंस हो गया और इस लीनियर डिस्टेंस मूव को हम आगे चल के टर्म कहेंगे पिच. कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी कारण से सर्कुलर पाथ और लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा. टी इक्वल टू पाई एम, टू पाई एम बाई क्यूबी टाइम होते ही और सर्कुलर पाथ पूरा होगा कंप्लीट. जैसे सर्कल कंप्लीट होगा लीनियर डिस्टेंस मूव कर जाएगा, इतना डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वी1 टी के बराबर. मीन्स कैसा पाथ फॉलो करता रहेगा, सर्किल के साथ साथ एक लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा और सर्किल के साथ साथ लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा तो एक तरह की स्प्रिंग की तरह पाथ को फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा. मीन्स इस पाथ को हम बोलते हैं हेलिक्स, हेलिकल पाथ. ठीक है, काफी हो गए. तो इस लीनियर डिस्टेंस मूव को हम क्या बोलते हैं, पिच. लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन रोटेशन, मूव इन वन रोटेशन. अब अगर इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट देखें V2 का और V1 का, तो बेटे V2 के कारण से तो सर्कुलर पाथ, V1 के कारण से लीनियर पाथ. तो उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण से कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा. सो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस ड्यू टू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ, हेलिक्स को फॉलो करेगा या हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा. तो जो पाथ फॉरवर्ड कैसा हो जाएगा, हेलिक्स होगा. ठीक है, कब, जब आपके पास किसी एंगल थीटा पे मूव करेगा. और अगर 90 डिग्री पे मूव करेगा तो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ फॉलो हो जाएगा. वो हम नोट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने डिस्कस किया कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और रेस्ट के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एक्ट करेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा अगर आपका चार्ज कैसा है, नेगेटिव. तीसरा केस कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर वो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उसका जो पाथ फॉरवर्ड कैसा होगा, पैराबोलिक होगा. ये हमने डिस्कस किया. ये तो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो जो फोर्स है उसके ऊपर कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू बी क्रॉस बी से आता है, क्यू बी बी साइन थीटा. अब हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है और कंडीशन ये है कि क्योंकि हमने v क्रॉस b लिखा है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा जीरो और 180 डिग्री होगा तो भी फोर्स जीरो होगा. तो अगर थीटा जीरो या 180 डिग्री है, ठीक है, मीन्स कैसे मूव कर रहा है, मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो भी जो फोर्स है वो कितना होगा, जीरो एक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. और अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है थीटा डायरेक्शन में,
जो कि ना तो जीरो है, मींस कोई अदर डायरेक्शन है, तो जो पाथ फॉरवर्ड कैसा होगा, एक हेलिक्स का पाथ होगा, लेकिन अगर ये पाथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करे, बी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो पाथ फॉरवर्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी होना चाहिए, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर कह दिया तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 91 तो क्यू वी बी हो जाएगा फोर्स, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर। तो यहां से हम देखें तो वी इज इक्वल टू आर क्यू बी आर बाय एम, और वी इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख दें क्यू बी आर बाय एम को आर और एम डिवाइडेड बाय क्यू, एम डिवाइडेड बाय क्यू आर, ठीक है। या फिर आप इससे अगर रेडियस निकालना चाहें, और रेडियस इज इक्वल टू दैट विल बी एम वी और डिवाइडेड बाय क्यू बी, और इसको ऐसे लिख दिया वी और क्यू बी बाय एम आर। तो अगर चार्ज पाई मास में, अगर चार्ज पार्टिकल का फिक्स है और फील्ड की स्ट्रेंथ भी फिक्स है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लार्जर इज द रेडियस मोर विल बी द स्पीड, एंड स्मॉलर इज द रेडियस मोर विल बी द रेडियस और स्पीड, इसी दूसरे के डायरेक्टली डिपेंडेंट आपके पास होंगे। अब हमारे पास हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की, ठीक है। और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का साइमल्टेनियस फोर्स एक्ट करे। नाउ व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन द कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज द लॉरेंट्ज मैग्नेट लॉरेंट्ज फोर्स। अगर फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लिखा जाए, तो वो आपके पास होता है क्यू इंटू ई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आप पहले पढ़ चुके हैं, क्यू इंटू बी क्रॉस बी लिखते हैं, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण से जो फोर्स एक्ट करेगा उसको लॉरेंट्ज फोर्स बोलेंगे। और लॉरेंट्ज फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ एम, एफ ई तो आपके पास क्यू ई, और एफ एम आपके पास क्यू इंटू बी क्रॉस बी। अगर क्यू कॉमन ले लें तो फोर्स आपके पास आए ई प्लस बी क्रॉस बी, ये आपके पास फोर्स है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज द लॉरेंट्ज फोर्स। अब यहां हमारे पास दो केस अराइज करते हैं। केस फर्स्ट तो ये ई बी और बी आपस में कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब बी और बी पैरेलल हो गए और ई बी उनके पैरेलल ही है, तो आप ये कहोगे कि बी और बी जब पैरेलल हो गए तो जो फोर्स है वो जीरो आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स तो, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स एक्ट करेगा, तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा क्यू इंटू ई, और क्यू ई का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा क्यू ई बाय एम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। केस सेकेंडली हमने जब ई बी और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो बी और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा क्यू बी बी, ठीक है। लेकिन ई बी उनके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जब ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो और चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फोर्स इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय वेरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ई और बी, बी की स्ट्रेंथ को चेंज करके बाय चेंजिंग द करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके इस तरह से एडजस्ट करके एफ और एफएम दोनों बराबर हो जाए, तो एफ होता है क्यू ई और एफएम होता है क्यू बी बी। यहां से आपके पास बी इज इक्वल टू ई बाय बी आ जाएगा, और दैट इज ए कॉन्सेप्ट यूज इन द वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में परपेंडिकुलर हो उसको क्रॉस्ड फील्ड्स बोलते हैं।
जो कि वेलोसिटी फिल्टर है वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हम यूज करेंगे।